वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और आपने देखा भी होगा कि भोजन जो है हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन के बिना हम लोग रह नहीं सकते, है ना। हम लोग को रोज भोजन चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग अपने डेली लाइफ में काम कर सकते हैं। तो भोजन जब हम खाते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए? क्या हम लोग सिर्फ रोटी खाकर जिंदा रह सकते हैं, या फिर हम कोई बच्चा जंक फूड खा रहा है तो वो खाके क्या हेल्दी रह सकता है? नहीं। आप लोग अभी छोटे हो, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो इस ग्रोइंग एज में आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए, एक संतुलित आहार चाहिए जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सके। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग बहुत पतले से होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मोटे ही हो जाते हैं, या कुछ बच्चे जो होते हैं एकदम रोज लगातार बीमार पड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कुछ बताएगा? एनीवन बोलो। क्योंकि वो पौष्टिक भोजन का आहार नहीं लेते, पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं। पौष्टिक भोजन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या आता है पौष्टिक भोजन में बताओ? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या क्या आता है, क्या खाना चाहिए पौष्टिक भोजन में? हमें सब्जियां खाना चाहिए। वेरी गुड। हमें दूध, सब्जियाँ, मछली फल खाने चाहिए। जी हाँ, हम कोई एक चीज खा करके स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित आहार चाहिए जिसमें हमारा अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, दूध, ये सब सही मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी ज्यादा या कम हुआ तो हमारा शरीर किसी न किसी चीज की कमी से ग्रसित हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे आप में से होंगे जो हरी सब्जियां नहीं खाना पसंद करते होंगे, किसी को साग नहीं पसंद होगा, किसी को करेला नहीं पसंद होगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, उस वेजिटेबल का न्यूट्रिशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, है ना। कुछ बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपकी जो बोन्स है, जो हड्डियां है, वो स्ट्रांग कैसे होगी? आपको पता है दूध से हमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, और दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ दूध पी के रहते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि दूध पी के उनकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही है। तो हम लोगों को भी हर रोज कम से कम एक ग्लास दूध पीना चाहिए जिससे हमारी जो बोन्स है स्ट्रांग हो, ठीक है। आपकी बोन्स स्ट्रांग रहेगी तो आप जल्दी थकोगे नहीं। किसी भी चीज को खा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कितना भारी है ये, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपने डाइट में दूध जरूर शामिल करना है, आपको हरी सब्जियां सभी खानी है, इसके अलावा फल, फल खाने से हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। और जो सेब और संतरा है, अगर उसको हमने अपने डेली लाइफ में अपना लिया उसको, तो उससे तो हमारी कई सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। आपने सुना है ना, कौन एप्पल अ डे कीप अ मैन हेल्दी, डॉक्टर अवे, डॉक्टर अवे, सुना है ना सभी ने? यस मैम। एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो सेब खाने से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है, जिससे क्या होगा, हम डॉक्टर भी हमसे दूर रहेगा। दूर रहेगा तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? हाँ बोल रहा है, क्यों नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जितना कम जाओगे, जितनी दवाइयाँ कम खाएंगे, हमारी बॉडी में खुद इम्यूनिटी बनानी है हमको, जितनी ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। और आजकल के बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियां घेर ले रही है, जैसे जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं या कुछ चीजें नहीं खाते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको एकदम शरीर पतला सा, यूं बिगड़ आला सा हो जाता है, तो जिससे क्या होगा, कोई भी काम में उनका मन नहीं लगेगा, वो आलसी हो जाएंगे, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खा के फैट बढ़ा लेते हैं, तो ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, उससे भी हम लोग अपने डेली लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं, है ना। और क्या होता है, क्या नहीं खाने से क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाओगे तो आपको उसमें जो इतने सारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, 12, बहुत सारे विटामिन उसमें है, तो वो सब विटामिन कैसे मिलेंगे आपको, ओके। तो आपको प्रॉपर एक डाइट लेनी है। हम लोग को दिन भर में कितनी बार खाना चाहिए? तीन बार। हर बच्चे
आपका ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है और रात में डिनर करना है। बीच में दो स्नैक्स टाइम भी होते हैं, उस टाइम पे आप हल्के स्नैक्स भी ले सकते हो। और जंक फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड में ऐसी चीजें मिली होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को चाउमीन पसंद होगा, मोमोज पसंद होंगे, पिज्जा पसंद होगा, ये सब चीजें ज्यादातर किससे बनती है? मैदे से, रिफाइंड ऑयल से, है ना। ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ये बहुत देर से डाइजेस्ट होते हैं। क्या होता है? देर से डाइजेस्ट होती है और हमारे जो पेट की जो मशीन है ना, वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और कुछ लोगों को इससे लूज मोशन होने लगता है अगले दिन। देखा आपने, जो लोग पार्टी में बड़े अच्छे चाव से खाते हैं, अगले दिन बहुत लोगों का पेट भी खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का पेट जो है उसकी एक लिमिटेशन है। अगर उसको अच्छा खाना नहीं देंगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छा फूड खाना चाहिए।